कैसे अपने मॉर्निंग रूटीन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। अगर आप दिन भर अपना सारा समय घर पे रहते हो तो आप उसे कैसे यूजफुल वे से यूज़ कर सकते हो, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, और आप ऐसा ऐसा क्या क्या काम कर सकते हो जिससे आप दिन भर बिजी भी रहोगे और आपका मन भी लगेगा। आज की वीडियो में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती हूँ और जिससे मेरा सारा टाइम अच्छा बीतता है और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है वो सब काम करके। सो गाइज, ये मॉर्निंग रूटीन सिर्फ आपके दिन को ही नहीं जब आपके पूरे पर्सनालिटी को भी पूरी तरह से चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन बनने लगते हो तो अगर आप कुछ कुछ ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो अपने लाइफ में, जो कि आपके दिन को बिल्कुल भी बर्बाद होने से रोकता है और आपके दिन को बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेश बनाने में भी हेल्प करता है। आपका माइंड भी फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होगा तो आपका सारा दिन भी अच्छा जाएगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके मॉर्निंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेश बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहला वाला हैबिट है, गुड हैबिट है, जो मॉर्निंग में हमको सबसे पहले करना चाहिए, वो है मॉर्निंग प्रेयर। आप बेड पे उठते साथ सबसे पहले आप प्रेयर करो। उठते साथ आपको सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलना है, आपको प्रेयर करना है। आप किसी भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले आप अपने गॉड अल्लाह या फिर भगवान को सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करो और उन्हें थैंक यू बोलो ताकि आपको इतना अच्छा दिन मिला है, आप ताकि आप उसे यूटिलाइज कर सको, उसे अच्छे काम में वेस्ट कर सको। और गाइज, आपको सबसे पहले थैंक यू बोलने की ये भी ज़रूरत है क्योंकि आपको ये लाइफ मिला है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको भगवान को थैंक यू बोलना है और थोड़ा सा प्रेयर करने के बाद जाए लाइक 1-2 मिनट, जो भी आपको अच्छा लगे। आप कोई ओम भूर्भुवस्व मंत्र का उच्चारण कर लो या फिर आपके कास्ट में जो फिर आपके रिलीजन में जो भी मंत्र उच्चारण होते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ आपको बोलना है, भगवान से प्रेयर करना है, तो उसे आप जरूर मॉर्निंग में एक बार जरूर रिमाइंड करो अपने माइंड में ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम और रिफ्रेश सब फील हो सके एट मॉर्निंग। अगर आप प्रेयर नहीं करोगे तो आपको कुछ लगेगा कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में, उस मिसिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करें कि आप उठने से पहले आप एक बार जरूर प्रेयर करें बेड पे बैठे बैठे, आपको खुद ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेश फील होगा। और अगर आप प्रेयर नहीं करते हो तो एक बार जरूर मेरे बोलने पर ट्राई जरूर करना और बताना कि आपको सच में ये कैसा फील हुआ। सेकेंड हैबिट है वो है मॉर्निंग वॉक पे जाना। आप कम से कम 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या फिर 1 घंटा, आपको जो भी टाइम मिल रहा है उसमें आप थोड़ा सा वर्कआउट करना या फिर आप थोड़े से वॉकिंग पे जाना प्रेफर करो, क्योंकि इससे आपका जो माइंड अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद से, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, प्रेयर कर रहे हो और फिर आपके पास जो टाइम बच रहा है मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, तो इससे आपका जो दिन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्रेश बीतेगा। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ब्रश नहीं करते हो तो आपको डेली बेसिस पे ब्रश करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके टीथ के लिए अच्छा है और आप बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरनली फील भी करते हो ब्रश करने से। बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो एक दिन ब्रश करेंगे एक दिन ब्रश नहीं करेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे ब्रश करना है ताकि आपका जो माउथ ऑर्डर है वो रिमूव हो सके और आपको अच्छा फील हो सके। ब्रश करने के साथ साथ आपको अपने टंग को भी बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है ताकि आपका जो पूरा ओवरऑल जो माउथ है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन और फ्रेश रह सके। और ये आपका जो माउथ अगर क्लीन रहेगा तो इससे आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको ऐसा नहीं पता तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका पूरा ओवरऑल माउथ क्लीन होगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेश करोगे, फ्रेश फील करोगे, और फ्रेश फील करोगे तो आपके मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है। अर्ली मॉर्निंग उठूँ या ना उठूँ, बट मेरा जो फर्स्ट जो काम होता है वो होता है घर को क्लीन करना। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर टाइम मैं जब भी अर्ली मॉर्निंग में उठ रही हूँ या फिर मैं लेट से भी उठ रही हूँ तो मेरा जो काम होता है सबसे पहला वो होता है घर को क्लीन करना, झाड़ू पोछा लगाना घर में। घर क्लीन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो आसपास का जो एरिया अगर क्लीन रहता है तो आपके मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है और आपका मॉर्निंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आपको फिजिकल वर्कआउट भी होता है झाड़ू पोछा करने से। तो ज़रूरी नहीं कि आप झाड़ू पोछा ही करो, और भी बहुत सारे काम होते हैं घर में करने के, लाइक डस्टिंग होता है करने को, आपको कुछ फ़ैन वगैरह कुछ ज्वाला वगैरह साफ करना है, तो वो सब आपको काम करना है, तो वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो अपने मॉर्निंग। तो अपने खुद के घर को साफ करना ही बहुत ज़्यादा अच्छा हैबिट है। नेक्स्ट स्टेप है वो है लेमन वाटर पीना, या फिर आप नॉर्मल गर्म पानी भी पी सकते हो। अगर आप लेमन वाटर पी रहे हो तो आपको जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो मॉर्निंग में आपका
पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो वो आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेमन वाटर पी रहे हो या फिर गर्म पानी आप पी रहे हो, हॉट वाटर क्या बोलते हैं, आपको गुनगुना पानी पीना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पी पा रहे हो तो गर्म पानी आप मत पियो, लाइक हल्का सा गर्म, हल्का सा जो लुकवॉर्म वाटर होता है, गुनगुना पानी होता है, उसे आप जरूर कंज्यूम करें, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आप हाइड्रेटेड रहते हो पूरे दिन भर, तो आपको पानी कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके मॉर्निंग रूटीन में। और मैं नहाने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं कम से कम 3 ग्लास ऑफ वाटर, मतलब कम से कम 1 लीटर पानी कंज्यूम कर सकूँ, जिससे कि मेरा हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहे और मुझे कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम, कुछ भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर गैस रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि आज के यूथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं। मॉर्निंग में आपका जो छोटे मोटे जो वर्कआउट होता है वो उसे नहीं करते हैं, लेट से सो के उठते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। सो मेक श्योर करें कि आप जो भी स्टेप मैं बता रही हूँ उसे आप जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करें, आपके लाइफ में जरूर कोई ना कोई जरूर चेंजेस आएगा ही। सो गाइस, घर क्लीनिंग के बाद से जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है थोड़ा सा रिलैक्स करके नहाने जाना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि गाइस इस टाइम पे मैं अपना पूरा फुल बॉडी केयर करती हूँ, लाइक मुझे अपने हेयर को वॉश करना है, हेयर में कुछ मार्क्स लगाना है, या फिर आपका जो भी पर्सनल बॉडी केयर है, शेविंग है, कुछ भी है, तो आप आराम से अपने बाथरूम में अपना टाइम पूरे अपने बॉडी को दे सकते हो, अच्छे से अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हो। आपको कुछ मार्क्स वगैरह अप्लाई करना है, बॉडी स्क्रब अप्लाई करना है, तो उस टाइम पर आप पूरे फुल अपने पूरे बॉडी को केयर कर सकते हो। तो गाइस ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि मैं अपने फुल बॉडी केयर कैसे करती हूँ, तो इस पे वीडियो आपको जरूर मिल जाए। आपका मॉर्निंग का हेल्दी फूड, जो कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मॉर्निंग को मैगी चाउमीन या फिर कुछ भी जंक फूड अवॉइड करूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि सारे जंक फूड को मैं मॉर्निंग के टाइम पे अवॉइड करना पसंद करती हूँ। आप ब्रेड ऑमलेट ले सकते हो या फिर कुछ हेल्दी चीज़ भी ले सकते हो, आपको हेल्दी चीज़ ही कंज्यूम करना है मॉर्निंग में, ताकि आपका जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करे। आप मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा अजीब सा जंक फूड खा लोगे तो आप पूरे दिन कैसे फ्रेश फील कर सकते हो, ये बात आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि आपको जो मॉर्निंग का जो आपका ब्रेकफास्ट होगा बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर ऑयली फूड ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो मॉर्निंग में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है आपके हेल्थ के लिए और आपका पूरा दिन भी उससे ख़राब बीतेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। नहाने के बाद से जो स्टेप आता है वो आता है आपके स्किन केयर में, तो आपको स्किन केयर करने में बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, ताकि आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगे। आप अगर नहा के आ रहे हो तो तुरंत तुरंत अपने स्किन का केयर करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा लेट प्रोसेस उसको नहीं करना है। स्किन केयर करने से आपका जो स्किन रहेगा वो हेल्थी रहेगा, सफल रहेगा आपका स्किन और आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। स्किन केयर हो गया, हेल्दी फूड हो गया, अब गाइस अब क्या करना है। अगर आपको दिन भर अगर घर पे रहना है तो आप अपना कोई भी ऑफिस का वर्क कर लो, या फिर अपना अगर आप कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग गर्ल हो, तो मेक श्योर करो कि आपको जो भी वर्क मिला है आप मॉर्निंग के टाइम को यूज़ करते हुए आपका जो भी वर्क पेंडिंग है आप उसे मॉर्निंग में कर लो। मॉर्निंग में अगर आप वर्क कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको ना बहुत बर्डन नहीं लगेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। नहीं तो अगर आप अब उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे मॉर्निंग में, तो आपको बस आपको हेडेक होते रहेगा कि आपको ये काम करना है, ये काम पेंडिंग है। तो इससे अच्छा है कि जब आप अपना सारा मॉर्निंग का रूटीन कंप्लीट कर लो, तो आप मेक श्योर करो कि आपके जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है आप उसे कंप्लीट कर लो। आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट करने के बाद से फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चलाना स्टार्ट मत कर दो, थोड़ा सा टाइम वर्क करने के बाद जो आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपका टाइम पीरियड है अपना वर्क कंप्लीट कर लो, फिर फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आपको जो भी यूज़ करना है उसके बाद से यूज़ करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिन जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हुआ है और बहुत ही अच्छा आपका जो दिन है वो जा रहा है। नेक्स्ट है क्या, वो है हाइजीन मेंटेन करना। अगर आप पूरे थ्रू आउट द डे अपने हाइजीन को मेंटेन करके रखते हो, आपको कैसे हाइजीन मेंटेन करना है गाइस ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। सो गाइस हाइजीन मेंटेन करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ सुंदर दिख रहे हो तो आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके अंडर आर्म्स क्लीन होने चाहिए, आपका जो नेल्स है वो सारे क्लीन होने चाहिए, आपका जो ईयर के बैक जो बैक वाला जो पोर्शन है वो सब क्लीन होना चाहिए। ये सब जो कॉमन चीज़ है ये सब आपको हाइजीन मेंटेन करने में ये सब आता है, तो आप इसे जरूर फॉलो करें। ये है मॉर्निंग के कुछ हैबिट जो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर मॉर्निंग को फॉलो कर सकूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि ये जो मॉर्निंग रूटीन है मैं इसे डेली बेसिस पे कर सकूँ, और जिससे कि मेरा
सारा दिन जो है बहुत अच्छे से स्पेंड हो सके। वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह मुझे लव अपना सपोर्ट देते रहिएगा ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा अच्छी कंटेंट को क्रिएट कर सकूँ और आपके साथ जुड़ सकूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। सो बाय गाइस।